ये जो आप देख रहे हो इतने सारे ये बकरियों के बीच में। कम ऑन बेबी जी, यस कम ऑन, इजी पीजी बच्चे, कम पूरा फॉगी है। ठीक रही है, ठीक रही है। तू भी कैमरा देख के एक्शन करती है, हैं? हाँ तो मेरा आगे है ड्राई क्लीनिंग से कपड़े और कल बैक टू होम का सफ़र। इसलिए आपको अवॉइड कीजिएगा, ये सारी चीज़ें मेरे को अपने गियर के डालना है। बैक गियर है ये शोल्डर, ये एल्बो, ये चेस्ट, ये भी पता नहीं क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा, और ये नी का। तो इतनी सारी चीज़ें अब मुझे इस गियर के अंदर डालना है, बहुत दिक्कत होने वाली है बाबा, बहुत दिक्कत होने वाली है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी अब मैं कर रहा हूँ कैंसिल, स्टैचू ऑफ यूनिटी हम लोग नहीं जा रहे फिर कभी। एक बहाना होना चाहिए ना फिर से वापस आने का वडोदरा, कि अब अगली बार स्टैचू ऑफ यूनिटी करना है। तो अब यहाँ से नहीं, अब ड्राई क्लीनिंग करके कपड़े आ जाए, कल सुबह बैक टू होम का सफ़र यहाँ से। तो ठीक है, तो कल सुबह मिलते हैं। Approximately 10 hours later. Good morning from Vadodara और Vadodara की गलियों से, और हम लोग निकल दिए हैं घर के लिए, और मुझे बता रहा है 16 घंटे लगेंगे मुझे घर पहुंचने में अगर मैं नॉन स्टॉप करता हूं तो। पता नहीं कितने घंटे लगेंगे, और मेरी रिस्ट अभी भी दर्द दे रही है, मेरी रिस्ट बहुत दर्द दे रही है। मुझे नहीं पता कहाँ तक के ट्रैवल कर पाऊँगा, अगर 500-600 किलोमीटर भी खींच लिया तो बहुत ही अच्छा रहेगा यार। तो आपके कलाई में दर्द हो या कुछ भी हो, आपको जाना ही पड़ेगा एनी हाउ। हाँ तो जी, हम लोगों ने तो कर दिया वडोदरा को क्रॉस, और वडोदरा को क्रॉस करते थे क्या देख रहे हम, पूरा फॉगी है। ऐसे समय लगता है कि यार बाइक में होना तो येलो लाइट, कोई बात नहीं ऐसी गाड़ी चला लेंगे। और ये फॉग कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है यार। आप वडोदरा आ रहे हो या अहमदाबाद में गुजरात में आ रहे हो, आपको खाने की कमी नहीं हो, और हर एक किलोमीटर 2 किलोमीटर में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट मिल जाएगा खाना खाने के लिए। तो खाओ बोले कितना खाना। गुजरात के 4 लाइन से अच्छे ये 2 लाइन वाले रोड है यार, बीच में 1-2 पैचेस खराब आते हैं, नहीं तो भाई गाड़ी इतनी मस्त चल रही है ना क्या बताऊँ। और सबसे अच्छा क्या लग रहा पता है कि आपको, दोनों साइड के जो सीन है ना वो मस्त है, दोनों साइड झाड़, बीच में गाड़ी, अपनी गाड़ी मस्त चल रही है, बीच में कोई आना जाना नहीं चल रहा है किसी का, बस ऐसे बीच में 1-2 पैचेस आ रहे हैं बस, उसके अलावा मस्त गाड़ी चल रही है 90-100। लेकिन मैं जितने जल्दी इसको क्रॉस कर लूँ अच्छा है, क्योंकि फिर बाद में कैसा है ना कि अगर गांव के सिटी के लोग उठ के रोड पर आ गए तो फिर आप इस तरीके से स्ट्रेच नहीं करोगे। तो जितना हो सके 9 बजे तक के स्ट्रेच हो सकता है कर लो, फिर क्या स्ट्रेच करने को नहीं मिलता। कौन सी जगह पे है? पेटीएम नहीं, कार्ड ही है, फुल कर देना बस भैया, बस बस बस। कहाँ वहाँ जाना है? अंदर ओके। तो गुड मॉर्निंग फॉर जम्मू गाँव। मॉर्निंग में सब चाय पीते हैं, मैं लस्सी पी रहा हूँ, और पेट्रोल भर लिया है लेकिन इनकी मशीन थोड़ी सी चार्ज नहीं है, तो बस वो चार्ज होने का वेट कर रहे हैं, पेमेंट करते हैं और फिर यहाँ से भी निकलते हैं। अब आ गया है चेहरे को क्या बोलते हैं, सनस्क्रीन लगाने का और बंडाना पहनने का। थैंक्स विक्टिमम फॉर सनस्क्रीन, बहुत काम आ रहा है इस राइड पे ये सनस्क्रीन। मेरी स्किन सही में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है राइड करने के बाद, और अभी भी ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। चलिए मिलते हैं राइड पर। क्या है खंडवा उसी इंदौर, तो वेलकम टू मध्य प्रदेश। फिर से ये स्टेट के बाद अपना महाराष्ट्र लग जाएगा इंशाल्लाह। महाराष्ट्र 600 किलोमीटर और बाइक चलानी है अभी। हा, 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 हा।
इंदौर वाले रूट पे नहीं डालूंगा आज गाड़ी, सिंगल रूट पे जहाँ तक के जाएगा जाएगा, जाने दूंगा। बस वही है कि आप स्पीड कैरी नहीं कर सकते सिंगल लेन पे। ये देखिए जैसे ये अचानक बड़ी गाड़ी आ गई, सिंगल लेन का ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन फोर लेन से तो अच्छा मेरे को यही लगा। लोग मैं जब भी तारीफ करता हूँ तो पता नहीं क्यों ऐसे क्यों खराब आ जाते रोड। अरे यार दिल टूट जाता है ना यार ऐसे में। वडोदरा से लेके यहाँ तक के रोड बहुत अच्छा था, अब लेकिन जैसे ही एमपी में घुसा हूँ अरे रोड खराब है। रुक जा रुक जा रुक जा भाई रुक जा। पता नहीं कौन सी नदी है कि डैम है, कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ा है। जो भी है 500 मीटर का तो पुल ही है ये इतना बड़ा। वाह यार सही में अच्छा लोकेशन लग रहा, ऐसा लग रहा गाड़ी रोक दो और नीचे चली जाऊँगा, पानी में डूब के आऊँ फिर गाड़ी चलाऊँ। लेकिन क्या करूँ, ऐसा कर नहीं सकता ना। मेरे ख्याल से मैंने 200-250 किलोमीटर से, मतलब जब से वडोदरा से निकला हूँ ना, एक बार पेट्रोल पंप भरा हूँ वहीं पर मैं रुका हूँ, उसके बाद मैंने अभी तक के 0 ब्रेक। सही है यार सही है बेटा। पता नहीं घर जाने की इतनी, मतलब घर जाने की इतनी चाह क्यों होती है। अब ये है पता नहीं कौन सी रिवर जहाँ पे मैं पहुंचा हूँ। वाह यार एमपी में लगता है यार बहुत ही रिवर है, वो देख रहे हो नजर नहीं आ रहा भाई इतने दूर है। भाभी यार कौन सी नदी है टेल मी, जो मेरे सब्सक्राइबर हो गए आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, साल भर के बाद, 2 साल, 3 साल, 10 साल बाद जब भी हो गए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना ये कौन सी रिवर है। मुझे नहीं पता ये कौन सी रिवर है, लोग प्रार्थना वगैरह सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। अबे गांव डूब गए इसकी टांग। वो देखो वहाँ पे मंदिर वगैरह सब डूबा हुआ है भाई, सब डूबा हुआ है। अब तो याद भी नहीं है कितने हो गए, और यहाँ से अभी है 438 किलोमीटर और 8 घंटे बता रहा है। मेरे ख्याल से मैं जल्दी कवर कर लूँगा, और टाइम हो रहा है 12 सुबह 6:30 से, कंटिन्यू 6 घंटे हो गए मेरे को राइड करते हुए, और अब थोड़ा सा थकान तो हो रही है। वॉशरूम है क्या भैया? ओके फुल कर देना भैया, उससे अंदर नहीं जाता। कितने रुपए यहाँ पे? अरे यार तो यही बाजू में होटल था पेट्रोल पंप के, तो मैं सोचा कुछ खा के जाता हूँ। और कुछ ओके मैम मैंने सुन लिया हूँ। यार ये गोप्रो थोड़ा सा परेशान कर रहा है यार, शिट। Much, much later. अरे यार ये है रोड खराब, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। ओ शिट, चल बेबी जीएस कम ऑन। काश मैंने गांव के अंदर से ही गाड़ी डाली होती तो ज्यादा अच्छा होता। कम ऑन बेबी जीएस कम ऑन, इजी पीजी इजी पीजी इजी पीजी इजी पीजी इजी पीजी बच्चे कम ऑन, इजी है इजी है इजी है, गुड 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 बेबी कम ऑन। थोड़ा सा और तो हम लोग शायद खंडवा में हैं, और ये पैच बहुत ही बुरा है, काश मैंने सिटी के अंदर से डाला होता। गूगल मैप कई बार सही होता है यार, शिट। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा जो फ्रेम है ना बाइक का वो हल्का सा तिरछा हो चुका है, तो मुझे ना नागपुर जाके पहले इस पर काम करना है। और मेरी एक ट्रक वाले ने मेरे पैनियर को साइड से मार दिया है, तो वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा था, लेकिन कलाई में फिर से बहुत ज़्यादा तकलीफ उठ गई है उसके बाद से। कैसे समझाऊं ये राइड, तो
मज़ेदार हो गई, कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ ज़्यादा एडवेंचर कर लिया मैंने शायद। कम ऑन बेबी, इजी बीजी। वाह भी यार, एकदम खड़ा है, शाबाश। कम ऑन इजी बीजी यार, कम ऑन कम ऑन, थोड़ा सा और बचा है। कम ऑन इजी, ओह यस बेबी, कम ऑन थोड़ा सा और। हाथों में दर्द है, कलाई तो फट रही है मेरी एकदम। कम ऑन या हाँ, थैंक यू यार। हाथों में दर्द हो रहा है यार बहुत ही ज़्यादा। खंडवा में है कि खंडवा के बाहर है कुछ पता नहीं। ये साइकिल पे कहाँ जा रहे हैं और क्या लेके जा रहे हैं यार ये लोग, आई डोंट नो, शायद कोई धार्मिक रैली होगी शायद ये। बकरियों के बीच में बाय बाय। मैं तो थक गया, और गाड़ी में भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई मामूली सी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि आवाज़ बहुत बुरी तरीके से कर रही है बेबी जी। पीछे अभी मैंने कम से कम 20 किलोमीटर लंबा घाट काटा होगा। A little longer than a few minutes later. बहरा है ना गाँव का ना? हाँ बहरा, बहरा on ground. बहरा? हाँ. बहरा की बहरा? बहरा on ground. बहरा on ground. हाँ. Okay. कहाँ से आप? मैं तो नागपुर से हूँ, लेकिन मैं अहमदाबाद गुजरात से आ रहा हूँ। तो ऐसा है, ये बड़ोदरा के बाद ये मेरा फर्स्ट ब्रेक लगा है, और यहाँ से बैतूल कितने दूर होगा सर? कितने? 86, 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 86
और फिर वहाँ से नागपुर है शायद 175-180 करीब करीब। पूरी ट्रिप में कहीं रेन गियर यूज नहीं आया लेकिन यहाँ पर रेन गियर यूज आ रहा है। चलो थैंक यू भैया, तो अब मिलते हैं बैतूल के अंदर। हाँ तो जो आप लोगों ने लास्ट फुटेज देखे उसके बाद डायरेक्ट सीधा घर के अंदर, वहाँ से बैतूल था कुछ 83-86 किलोमीटर, जो था पूरा लंबा घाट था सिर्फ जंगलों के बीच में। उसके अंदर मैं बोला क्या ब्लॉगिंग करूँ क्या टाइम वेस्ट करूँ, इसलिए सीधा मैं निकलते बैतूल पहुँच गया। और बहुत ही डिफिकल्ट रोड था वो 86 किलोमीटर ना, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग नहीं करा और सीधा घर पहुँच गया। और वो मेरा फिर बैतूल के अंदर मेरा फैमिली टाइम था, मेरी बहनों के भाइयों के साथ घूमना फिरना और वो सारी चीज़ें, तो मुझे फैमिली के अंदर व्लॉगिंग करना बिल्कुल ठीक नहीं लगता। तो फिर उसके बाद दूसरे दिन यानी आज के दिन अपन सीधा यहाँ पर पहुँच गए। और आज आज सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आप लोगों की, कितना खर्चा आया मुझे, रुक जाइए। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाएंगा, हाँ तो जी ये जो आप देख रहे हो इतने सारे ये है सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो मेरे हुए हैं अहमदाबाद वाली ट्रिप के अंदर, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। ये सिर्फ शॉपिंग का है, बाकी चीज़ें अलग है, शॉपिंग में उसमें काउंट नहीं करता। अगर शॉपिंग छोड़ दिया जाए ना तो पेट्रोल का वहाँ पे रहने का, वहाँ पे घूमने का, वहाँ पे खाने का और क्या चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें रहती है, तो ये सारी चीज़ें मिला के जब मैंने टोटल कैलकुलेशन करा तो मुझे खर्चा आया सिर्फ 7 डेज़ का 24,000 के करीब करीब मुझे खर्चा आया। बाकी शॉपिंग तो भाई अलग चीज़ है। एक और चीज़ हाँ, वहाँ पे मैं हर्ष और आकाश का दिल की खैर से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, वडोदरा में अपन की भाई इनका वहाँ से कुछ आते समय मैंने कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ, जैसे कि ये मैंने अपने लिए लेके आया हूँ और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ताकि मैं हमेशा याद रखूँ कि हाँ मैं गुजरात भी मैंने राइड करी है, प्राइड ऑफ गुजरात। इसमें सारी चीज़ें दी हुई, छोटी छोटी चीज़ें आती है गुजरात से रिलेटेड करती है, तो ये मैंने अपने लिए लेके आया था, ये बड़ा ही अच्छा लगा ये।
और अब आप लोगों को पता है ना कि क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के बटन बिल्कुल भी दबाना है, और मुझे जल्दी जल्दी बताइए कि मुझे कहाँ की राइड करना चाहिए। इसके बाद आप कमेंट सेक्शन ओपन है, मुझे पता है मुझे कोई नहीं देखता, लेकिन कमेंट सेक्शन ओपन है, जाके कमेंट कर दीजिए, तब भर डालिए कमेंट 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 कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। इसके बाद मेरा दिल तो है कि मैं थोड़ा सा पहाड़ों में जाऊँ, क्योंकि YouTube के अंदर मैं अभी तक पहाड़ों के अंदर ही वैसे क्यों, लेकिन ऐसे नहीं क्यों, तो मैं सोच रहा हूँ इस बार थोड़ा सा पहाड़ों पे घूम के आया जाए, थोड़ा सा लंबा। और गाड़ी के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है इस राइड के अंदर, साइड साइड जहाँ पे वीडियो आ रही होगी यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट होगी आप लोगों को, आप यहाँ पे क्लिक करके ना पूरे वीडियो जाके देख सकते हो, 7, 8, 9 जितने भी वीडियो बने वो सारी चीज़ें आप जाके देख सकते हो। और इस साइड में आपको सब्सक्राइब वाला आ रहा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है? तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में, नेक्स्ट सीरीज में, जल्दी से ही, बाय बाय।